आइए हम इनसे पूछते हैं कि अभी बॉलीवुड की स्थिति क्या है आपके हिसाब से। गांधी जी पहले पैदा लिए थे, आईजी मीरा देशमुख का पहले लड़का ठोका गया था। ये क्वेश्चन इतना गहरा और गंभीर है कि इसका सेकेंड पार्ट आ गया। यार मेरी मानो 2 अक्टूबर को गुटका भैया विमल गुटका खा करके भंडते पड़े हुए थे कहीं साइड रोड में, ये हवा बना दिया। पणजी में इतना हवा बन गया कि वहां की गवर्नमेंट ने बैन कर दिया सत्संग 2 अक्टूबर का हमेशा। तो बॉलीवुड का भी ऐसा हाल चल रहा है कि नाले में हकते हुए इंसान को समझ नहीं आता है कि नाले की महकारी कि गु की महकारी है। मगर ये मूवीज गाइज ऑडियंस को हॉल की तरफ खींच सकता है, क्योंकि दृश्यम 1 जो था उसने बहुत अच्छा अजय देवगन की एक्टिंग रहा है, उस वजह से ये मूवी दृश्यम 2 जो है चल सकता है। वैसे तो बॉलीवुड की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है अभी फिलहाल, बट ये मूवी खींच के ऊपर ला सकता है बॉलीवुड को। बट अभी देखिए रेटिंग में भी देखा जाए तो 8.4 रेटिंग चल रहा है दृश्यम 2 का, अभी बुकिंग भी अच्छा खासा हुआ है। बाहुबली को क्यों मारा, ये बर्ज मार्केटिंग बाहुबली 2 का अच्छा प्रमोशन किया और अच्छा कमाई भी करवा दिया। सेम यहाँ पे भी दृश्यम 2 भी वही करने वाला है, क्योंकि इसमें भी एक सस्पेंस बना हुआ है कि विजय सावरकर और उसके परिवार को क्या होगा अगर वो पकड़ा जाएंगे, पकड़ाते हैं कि नहीं पकड़ाते, ये इसमें पूरा रिवील किया जाएगा। वैसे तो एक बार बता देना चाहते हैं इन बॉलीवुड वालों को, ये लोग रीमेक बना बना कर उबटे नहीं है क्या? डबंग 1, डबंग 2, डबंग 3 ये सब क्या है भाई? एक तो दूसरी बात है, ये दृश्यम ऑलरेडी मलयालम मोहनलाल जो है उन्होंने बना चुका है और बहुत अच्छा हिट किया है वो मलयालम मूवी जो है, ये दृश्यम 2 ही का नाम उनका भी, और उससे रीमेक किए हैं अजय देवगन वाले मूवी में। गाइज जो जो मोहनलाल वाला पहले देख चुका होगा ना, आई गेस वो ऑडियंस दोबारा इनका मूवी देखने नहीं जा सकते, जा भी सकते हैं क्योंकि इनका जो एक्टिंग इसमें बहुत अच्छा अच्छा एक्टिंग किया है अजय देवगन ने, तो गाइज इस वजह से ऑडियंस खींच के जा भी सकता है। तो अभी देखिए अच्छा रेटिंग भी चल रहा है इसका और इसमें अच्छा भी बुकिंग भी हुआ है जिससे पता चल रहा है। किसी का तो पता नहीं, मगर जो जिनकी जुबान एक है वो जरूर जा सकते हैं, बोलो जुबा केशरी। और गाइज एक और सूत्रों से बात पता चला है कि अगर पुष्पा मूवी का रीमेक बॉलीवुड वाला बनवाता और उसका हीरो को ऐसा सोचता है कि वरुण धवन को रखता, मैं झुकेगा नहीं साला, उस टाइम हम झुक जाते, सीरियसली झुक जाते भाई। साला कोई एक्टिंग वैक्टिंग आती नहीं, हर मूवी में भेड़िया भी आ रहा है, वो भी ऐसे ही भेड़िया बन के इधर उधर घूमेगा। सो गाइस जो भी है इस मूवी का देखिए अभी कैसा चल रहा है पता नहीं, अभी तो आज तो फर्स्ट डे रिलीज हुआ है। और अगर सही में मेरा रिव्यू बोलने का तरीका जो था अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आगे भी कोई भी मूवी आएगा तो उसका मैं बजाने के लिए रेडी रहूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।